दिल्ली दंगों के 23 फरवरी को एक साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली राइड्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नाम की किताब का विमोचन करते हुए कहा, मैंने जो किया है मैं फिर करूंगा, मुझे कोई पछतावा नहीं है सिवाय इसके कि मैं दिनेश खटेक, अंकित शर्मा और कई अन्य की जान नहीं बचा सका। आपको बता दें, एक साल पहले दिल्ली के मौजपुर इलाके में भाजपा नेता कपिल मिश्रा नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में हो रही रैली में मौजूद थे, जिस दौरान उन्होंने कहा था कि डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबकी ओर से कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो ट्रंप के जाने तक पुलिस जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा दे, ऐसी आपसे विनती है, वरना उसके बाद हमें रोड पर आना पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में CAA के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों का अंत दंगों की शक्ल में हुआ था, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। 23 से 26 फरवरी 2020 तक चले इन दंगों में 53 लोगों की जाने गई थी। इस मसले पर समाचार चैनल में दिए अपने साक्षात्कार में कपिल मिश्रा ने घटना के एक साल बाद अपने ऊपर लगे दंगा भड़काने के आरोप से साफ इनकार किया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में कपिल मिश्रा के इस बयान को भड़काऊ बताते हुए आरोप लगाया गया था कि उनके भाषण के फौरन बाद दंगे भड़के थे। हालांकि इस रिपोर्ट पर जवाब में मिश्रा ने BBC से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा, यह कहना कि मेरे बयान के बाद दंगे हुए ये सबसे पहला झूठ है, यह एक प्रोपेगेंडा है जो मेरे खिलाफ चलाया जा रहा है। मिश्रा की माने तो दंगे की शुरुआत 23 फरवरी नहीं बल्कि दिसंबर 2019 से ही जारी थी, जब जामिया मिलिया इस्लामिया में बसें जलाई गई थीं। दिसंबर में ही सीमापुरी में IPS अफसर को मारा गया था, सीलमपुर में बसें जलाई गई थीं। मिश्रा ने भविष्य में ऐसे उग्र प्रदर्शनकारियों को भी चेताते हुए कहा कि जब भी सड़कें रोकी जाएंगी और लोगों को काम पर या बच्चों को स्कूल जाने से रोका जाएगा तो इसे रोकने के लिए वहां हमेशा कपिल मिश्रा होगा। ऐसे ही खबरों से लगातार रूबरू रहने के लिए हमारे चैनल तर्कस को सब्सक्राइब करें।